न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले के राजपुर से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन के नेतृत्व में राजपुर विधानसभा के कांग्रेसियों ने जंगी प्रदर्शन किया। इस जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम को बिजली की अघोषित कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर विधायक बाला बच्चन ने रैली के माध्यम से अपना दम दिखाया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार और राजपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन जोशी ने अन्य वक्ताओं के साथ शिवराज सरकार को खरी खोटी सुनाई। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं राजपुर से विधायक बाला बच्चन। आगे की बातें सुन लो, ये जो प्रशासन वाली बातें, ये कांग्रेस ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में जो बैठे हो आप, ध्यान रखना, हमारी बात को सुन लेना। तजुर्बे और अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती नहीं आप लोगों में। अगला वक्त और समय ये जाजम पे बैठे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए सुन ले। अगर कोई किसी को या किसी के प्रभाव में किसी को खुश करने के लिए अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे हुए अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स अगर ये मानते हैं कि हम इनको खुश करके यहाँ ये बने रहेंगे पदों के ऊपर, हमारी सब पे नजर है, हमारा सब पे ध्यान है। चाहे वहाँ यहाँ का तहसीलदार हो, एसडीएम हो, यहाँ का डीआई हो, सब पे हमारी ध्यान है। जनपद जो भी हो आप ध्यान रखना, राजपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम मध्य प्रदेश और देश में गृह मंत्री के नाम से फेमस हो, गृह मंत्री के नाम राजपुर विधानसभा। कहीं भी अभी भी जाते हैं बोलते राजपुर विधानसभा का, जो पकड़ता है उसको बोलता हूँ मेरी बात करा दो, उसी समय वो फोन कान पे लेता निकल जाता है। एक समय जो हमारा था कि राजपुर विधानसभा हमारी मिनिस्ट्री और हमारे पद और कांग्रेस की सरकार के कारण फेमस और प्रसिद्ध थी। आज क्या है मालूम है, सुन लीजिए, चाहे खरगोन जिला हो, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, बड़वानी हो, राजपुर जो बदनाम हुआ है बिल्कुल। हम अगर फोन करते हैं पुलिस को, हमको बोलते हैं कि नहीं आपकी रिपोर्ट साफ सत्य नहीं, जरा चेक कर ले। उनके बाद वाले अधिकारियों से हम पूछते हैं, बोले साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, राजपुर में जुआ भी चल रहा है, राजपुर में सट्टा भी चल रहा है, ये हमको इनके अधिकारी बोलते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ बड़वानी के, यहाँ बड़वानी जिले के और धार जिले के भी, खरगोन जिले के भी और अन्य जिलों के भी यहाँ खेलने आते हैं पुलिस प्रशासन। ये देखो जो जाते हैं, जो भी नौकरी और सर्विस करके जा रहे हो, कभी भी किसी के भी कार्यकाल की जांच कभी भी हो सकती है, ध्यान रखना, कभी भी किसी भी अधिकारी की कार्यकाल की जांच हो सकती है। और अगर किसी पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम करोगे, साल भर बाद हम पता करेंगे आपके कि राजपुर थाने में कौन था, राजपुर एसडीएम ऑफिस में कौन था, तहसील में कौन था, जनपद में कौन था और उसके बाद जिले में कौन था, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और यहाँ जो कुछ प्रमुख मुखिया जो वहाँ जो है वो क्या चाहते हैं मालूम है, क्या गौरव क्या बना रहे, गौरव दिवस 25 मई से 31 मई तक वसूली कर रहे हैं हमसे और कांग्रेसियों से, कोई बात छिपी हुई नहीं है। आप ध्यान रखना, हम इनका जैसा हमारे पूर्व वक्ता राजू ने बोला, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला ना, इनका जवाब पत्थर से देंगे और आपको बिल्कुल राइट और हम ठीक करेंगे। और बड़वानी जिले की जनता को जो आपने जिस तरह से जो उनसे जो लोगों से जिस तरह से हटना शुरू किया है, हमसे कोई बात छिपी नहीं। 25 तारीख से 31 मई के बीच में गौरव दिवस के नाम से ऑफिसों में गुला गुला कर वसूली कर रहे हो। अरे अवैध शराब, अवैध उत्खनन, सट्टा और जुआ और दारू अगर आपने नहीं बंद की तो ये ध्यान रखना, अभी तो ये हमारी लड़ाई है। अगर आपने अगर ये सोच रखा, ये कांग्रेसी और इनका काम नहीं करेंगे, वाजिब और सही है हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो हम उसको कोर्ट में लगाएंगे। ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, यहाँ छोटी सी सूचना को उस पर आप जो यहाँ पर जो आए हैं साथियों, आप अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से डटे रहो,